छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरे रे 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 आधा ला छर दे और आधा ला दर दे और रामनगर कहूं जाए, रायपुर पश्चिम कहूं जाए, मोर दोंदर ला भर दे, मोर दोंदर ला भर। अजीत जोगी एक ऐसा नाम जिसके जुबा पर आते ही एक कुशल अधिकारी और राजनेता की छवि सामने आ जाती है। गजब की राजनैतिक क्षमता और दूरदर्शिता के धनी यह राजनेता अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे छत्तीसगढ़ की राजनीति के पन्नों पर सबसे पहले दर्ज नज़र आएंगे। बिलासपुर के एक छोटे से गांव गौरेला से निकलकर वे जिस सफ़र पर निकले उसकी ऊंचाई तक वे पहुंचे। इस बीच उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन जनता के चहिते बने रहे। उनको सुनने वाले बड़े चाव से सुनते थे। बेहद सधे हुए शब्दों का प्रयोग, वह भी छत्तीसगढ़ी में शायद ही कोई राजनेता प्रदेश की इस भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ रखता हो। छत्तीसगढ़ी में उन्हें छत्तीसगढ़ियों से आत्मीय रिश्ता, एक अपनेपन का रिश्ता बनाने में काफ़ी मदद मिली। उनकी बात को सुनने के लिए लोग जमीन पर बैठ जाया करते थे। राहुल गांधी के पहले बस्तर प्रवास पर उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिला था। एक चतुर राजनीतिज्ञ जिसे अपनी सभाओं, आने वाले लोगों के नाम पता होते थे, भाषा के बीच अपने चाहने वालों का नाम मंच में ही लिया करते थे। जबकि ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते थे, ये आम नागरिक थे जो उन्हें पसंद करते थे। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के नाम तो वे ऐसे लेते थे जैसे उस व्यंजन का स्वाद वे अभी अभी ही लेकर आ रहे हों। उनकी इस बात ने उन्हें जनाधार वाला नेता बना दिया। दुर्घटना के बाद से उनकी सक्रियता में नाम मात्र की भी कमी नहीं आई थी। वे हमेशा सक्रिय रहने के लिए सभी इंतजामों से लैस थे और जनता के बीच बने रहने की हमेशा कोशिश करते थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस का दामन थामा था जब वे कलेक्टर हुआ करते थे। हालांकि उनकी राजीव गांधी से पहले से ही पहचान थी। जब कभी राजीव गांधी रायपुर प्लेन चलाकर आते थे, वे हमेशा उनके पास पहुंच जाते थे। तब राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे। कांग्रेस की सेवा उन्होंने लंबे समय तक की और हमेशा कांग्रेस प्रति समर्पित रहे। उनके विपक्ष के नेताओं से भी काफ़ी अच्छे संबंध थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हो या फिर विपक्ष का कोई और विधायक हो, सभी के साथ उनका संबंध मधुर था। पिछले कुछ वर्षों से राजनैतिक बदलाव के चलते उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया था, तब भी उनके संबंध कांग्रेस के नेताओं से सामान्य रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी उनकी कई मौक़ों पर मुलाकातें होती थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, वे प्रदेशवासियों की यादों में सदैव जीवित रहेंगे। उन्होंने प्रदेश में 3 दिन की राजकीय शोक घोषित की। यह सच है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच अब वे नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।